हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम जुनैद है। तो अगर आप एक नया आईफोन परचेज़ करते हैं, जैसा कि आईफोन 15 लॉन्च हो चुका है और 16 लॉन्च होने वाला है, और आप स्विच करना चाहते हैं एंड्रॉयड से आईफोन में, तो आपके पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि अपना व्हाट्सएप का जो पूरा डाटा है और चैट है, इसकी जो सारी बैकअप है, वो अपने आईफोन में कैसे यहाँ पर ट्रांसफ़र करें। तो इसी के लिए आज हम लोग लेके आए एक सॉफ्टवेयर बहुत ही ईजिली, जिससे आप अपने व्हाट्सएप का सारा डाटा, इमेजेस और जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, जो भी आपकी फ़ोटोज़ वगैरह हैं, सारी चीज़ें आप ट्रांसफ़र कर पाएंगे एक क्लिक में अपने एंड्रॉयड फ़ोन से अपने आईफोन में, और यहाँ पे आईफोन से एंड्रॉयड में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। तो उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे हमारी वीडियो में, एंड तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आई टू लैब के व्हाट्स को सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप बहुत ही ईजिली अपने एंड्रॉयड फ़ोन का जो व्हाट्सएप है, उसका सारा डाटा, चैट, बैकअप और सारी वीडियोस, इमेजेस आप बहुत ही इजीली अपने आईफोन में ट्रांसफ़र कर पाएंगे सिंपल क्लिक की हेल्प से। यहाँ पे आपको ज़्यादा प्रोसेस भी नहीं करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र स्पीड भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है सॉफ्टवेयर की हेल्प से। वन क्लिक में आप सारा डाटा यहाँ पर ट्रांसफ़र कर पाएंगे व्हाट्सएप का बहुत ही ईजिली। आप इसे अपने विंडोज़ में डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मैकबुक में भी डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे तो बहुत ही इजीली यहाँ से आपका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड एंड इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पे इसका प्रोसेस कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से आप जाके बहुत ही इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पर। यहाँ पर हमें स्टार्ट पर क्लिक कर देना है अपने लैपटॉप में। जैसे ही आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का आपके सामने मेन्यू आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर आपको अपनी डिवाइसेज को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोर्स डिवाइस दिखा रहा हो, यहाँ पर डेस्टिनेशन। चलिए यहाँ पर इसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी सोर्स डिवाइस को यहाँ पे कनेक्ट कर लूँगा। ये सोर्स डिवाइस हमारी कनेक्ट हो चुकी है। चलिए अब मैं अपने आईफोन को यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ लैपटॉप से। यहाँ पे मैंने अपने आईफोन को भी लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया। यहाँ पे देख सकते हैं सोर्स डिवाइस है मेरा एंड्रॉयड फ़ोन है, जो कि वीवो का है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डेस्टिनेशन डिवाइस है वो आईफोन 15 है। हमें यहाँ पे अपने एंड्रॉयड फ़ोन से अपने आईफोन में व्हाट्सएप का पूरा डाटा यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। चैट और बैकअप मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ इसका, चैट वगैरह भी यहाँ देख सकते हैं। कुछ मेरे यहाँ पे इमेजेस और जो है वीडियोस पड़ी हुई हैं, और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे चैट भी यहाँ पे कर ली है। इसके बाद मैं यहाँ से इसे बैक कर देता हूँ। तो चलिए अभी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं ट्रांसफ़र पर क्लिक कर देता हूँ। ट्रांसफ़र क्लिक करने के बाद आपको कुछ यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, उसे आपको यहाँ पे फॉलो करना है अपने फ़ोन में, जिसकी हेल्प से यहाँ पे आप बहुत ही इजीली अपना जो डाटा है वो सारा ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने आईफोन में। यहाँ पे अपने फ़ोन पे मैं यहाँ पे प्रोसेस कर लेता हूँ। उसके लिए मुझे यहाँ पे सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद मुझे यहाँ पे फाइंड कर लेना है बिल्ड। तो यहाँ पर मैं सर्च करूँगा BU, बिल्ड पे आपको टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बिल्ड नंबर आ जाएगा, उस पर आप टैप कर दीजिए। बिल्ड नंबर पे टैप करने के बाद बिल्ड नंबर पे आपको 5-6 बार यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ से फिर से बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद आपको यहाँ पे फिर से सर्च कर लेना है डेवलपर। डेवलपर सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको डेवलपर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर आप टैप कर दीजिए। टैप करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपका ऑन है। उसके बाद यहाँ पर आपको USB डिबगिंग में आ जाना है, यहाँ पर इसे ऑन कर देना है। यहाँ से ओके कर देना है। यहाँ से आप इसे अलाउ कर देना है। मैं यहाँ से अलाउ कर देता हूँ। ये चीज़ें करने के बाद अपने एंड्रॉयड फ़ोन में, उसके बाद आपको एक और डिस्प्ले देखने को मिलेगी आपकी लैपटॉप स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको अपने आईफोन में आप थोड़ा सेटअप करना होगा। उसके लिए आप यहाँ पे सेटिंग्स में चले जाइए आईफोन की। सेटिंग्स में जाने के बाद आप यहाँ पर जो है ईमेल आईडी पर जाएंगे जब, तो उसके बाद आपको यहाँ पर फाइंड माई का ऑप्शन आएगा, इसे आपको यहाँ से टर्न ऑफ़ कर देना है। ये ऑन है, यहाँ से आप इसे ऑफ़ कर दीजिए। ऑफ़ करने के बाद आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा। अपना पासवर्ड डाल लीजिए। पासवर्ड डालने के बाद आप टर्न ऑफ़ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फाइंड माई है वो यहाँ से टर्न ऑफ हो जाएगा। यहाँ लैपटॉप स्क्रीन पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपका जो आईफोन 15 है उसका डाटा ओवरराइट हो जाएगा, जो भी एंड्रॉयड का डाटा है। तो मेरे आईफोन 15 में कोई भी डाटा नहीं है, तो यहाँ से मैं इसे कंटिन्यू कर दूँगा। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है इमेजेस आपको चाहिए या नहीं चाहिए, वीडियोज़ चाहिए या नहीं चाहिए। सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख के चेक या फिर अनचेक कर सकते हैं। यहाँ से मैं कंटिन्यू कर दूंगा। कंटिन्यू करने के बाद आप देख सकते हैं फिर से यहाँ पे एक स्टेप आया है, उसे आपको फॉलो करना है अपने एंड्रॉयड फ़ोन में आपको फॉलो करना है। तो यहाँ से मैं फिर से व्हाट्सएप पे चला जाता हूँ अपने एंड्रॉयड फ़ोन में। व्हाट्सएप पे जाने के बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट पर टैप करना है। उसके बाद आपको सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर चैट पर जाना है। चैट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर चैट का बैकअप बना लेना है। यहाँ पर आपको बैकअप कर देना है। सेकेंड स्टेप, आप यहाँ पे एंड टू एंड इंक्रिप्शन पे बैकअप बना लीजिए। यहाँ पे इसे टर्न ऑन कर दीजिए। टर्न ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको U64 डिजिट दिख रहा है, यहाँ पे आपको टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जनरेट कर देना है। अब इसका आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि ये बाद में अभी आपको इंटर करना पड़ेगा आपके
फ़ोन में। तो यहाँ पे मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, इसे बैक कर देते हैं। यहाँ से आपको कंटिन्यू कर देना है, कंटिन्यू करने के बाद सेव कर देना है, उसके बाद क्रिएट पे आ जाना है। यहाँ पे हमारा जो बैकअप है वो क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ से आपको लैपटॉप स्क्रीन पे आ जाना है और यहाँ से इनेबल कर देना है इसे। अब आप यहाँ पे देखते हैं हमारा जो एंड्रॉयड फ़ोन है उसका डाटा व्हाट्सएप का चैट्स वगैरह यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही है हमारे आईफोन 15 में। मैं यहाँ पे इसका व्हाट्सएप ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी डाटा यहाँ पे पहले से है नहीं। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपने इंक्रिप्टेड कोड स्क्रीनशॉट लिया था उसे आपको इस डिस्प्ले पे इंटर करना है अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। चलिए इसे फटाफट से इंटर कर देते हैं। यहाँ पे मैंने अपना 64-बिट पासवर्ड पूरा इंटर कर दिया। अब यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको लॉग इन कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा जो हमारा डाटा है वो ट्रांसफ़र हो रहा है हमारे आईफोन में। यहाँ पे रिस्टोरिंग आईफोन लिख के आ गया था। अब यहाँ देख सकते हैं ट्रांसफ़र व्हाट्सएप सक्सेसफुली यहाँ पे पूरा हो चुका है, जैसा कि आप सामने डिस्प्ले पे देख सकते हैं लैपटॉप की। यहाँ पे हमारा आईफोन रीस्टार्ट हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारी डिस्प्ले जो है ये ब्लैंक हो चुकी है, एप्पल लोगो आ गया है। हमारा आईफोन यहाँ पे रीस्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे चलिए इसे अनलॉक कर लेते हैं। लॉक करने के बाद यहाँ पे व्हाट्सएप पे जाएंगे। व्हाट्सएप पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अभी हमने इसे लॉगिन नहीं किया है इस नंबर से, जो इसमें नंबर पड़ा हुआ है मैंने उसे यहाँ पे लॉगिन नहीं किया। तो चलिए यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ पे हमारा कोड आ चुका है, चलिए इस कोड को भी इसमें इंटर कर देते हैं। यहाँ पे मैंने कोड को इंटर कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो व्हाट्सएप है यहाँ से लॉग आउट हो चुका है और यहाँ पे बैकअप का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम रिस्टोर नहीं करेंगे, स्किप कर देंगे, क्योंकि हमें आई क्लाउड से रिस्टोर नहीं चाहिए, हमें एंड्रॉयड से यहाँ पे इसका बैकअप चाहिए। यहाँ पे हम स्किप कर देंगे, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अलाउ फुल एक्सेस कर देता हूँ। नॉट नाउ कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो सारा जो इसका बैकअप था हमारे आईफोन में आ चुका है बहुत ही ईजिली। यहाँ पे टैप करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी मेरी इमेजेस थी और जो भी मेरे टेक्स्ट मैसेज थे यहाँ पे हमारे आईफोन में आ चुके हैं और हमारा जो व्हाट्सएप है एंड्रॉयड से यहाँ पे लॉग आउट हो चुका है बहुत ही ईजिली। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारा अपना एंड्रॉयड का व्हाट्सएप का डाटा, चैट्स और जो भी वीडियोज़ और फोटोज़ थी मैंने यहाँ पे अपने आईफोन में ट्रांसफ़र कर लिया है सिंपल क्लिक की हेल्प से। बहुत ही इजीली सॉफ्टवेयर की हेल्प से मैंने अपना सारा एंड्रॉयड का जो व्हाट्सएप का डाटा था बिना रिजेक्ट किए अपने आईफोन में यहाँ पे मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है, जो कि काफ़ी इजीली हो जाता है सिंपल क्लिक की हेल्प से। यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रोसेस करना पड़ेगा बस, उसके बाद आप यहाँ पे सारा अपना डाटा, जितनी भी फाइल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर पाएंगे अपने आईफोन में एंड्रॉयड से और एंड्रॉयड से आईफोन में और आईफोन टू आईफोन दोनों चीज़ों में आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आई टूल ऐप का व्हाट्स गो सॉफ्टवेयर काफ़ी ईजिली आपके आईफोन में एंड्रॉयड से व्हाट्सएप का सारा डाटा ट्रांसफ़र कर देता है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है। यहाँ पे आपको फ्री वर्जन देखने को मिल जाएगा, लेकिन फ्री वर्जन में आपको लिमिटेड एक्सेस देखने को मिलेगा, लेकिन अब अगर आप यहाँ पे पेड वर्जन लेते हैं तो यहाँ पे आपको फुल एक्सेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इसकी प्राइसिंग दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो प्राइसिंग है वो मंथ के हिसाब से भी है, ईयरली प्लान भी है, लाइफ टाइम प्लान भी है। आप यहाँ से इसे परचेज कर सकते हैं। परचेज करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर आपको इसका कूपन कोड दे दूँगा, जिसको अप्लाई करके आप 40% का डिस्काउंट यहाँ पर पा सकते हैं। दोस्तों देखा आपने कितनी इजीली हमने यहाँ पे अपने एंड्रॉयड फ़ोन से अपने आईफोन में व्हाट्सएप को ट्रांसफ़र किया है आई टू लैब के सॉफ्टवेयर के ज़रिए, व्हाट्स को जिसका नाम है, जिसके ज़रिए आप बहुत ही इजीली यहाँ पे सिंपल क्लिक्स में अपने एंड्रॉयड फ़ोन का व्हाट्सएप यहाँ पे अपने आईफोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना रिजेक्ट किए। तो काफ़ी अच्छा बनाया था आपको ये स्विच करना अपना आईफोन में। तो अगर आप एंड्रॉयड से आईफोन में स्विच करना चाहते हैं तो बहुत ही इजीली आप यहाँ पे व्हाट्सएप को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। यहाँ पे मैं आपको 40% डिस्काउंट का कूपन कोड दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके इसे अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इस सॉफ्टवेयर का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। फ्री वर्जन में आपको लिमिटेड एक्सेस मिलता है, अगर आप यहाँ पे पेड वर्जन परचेज़ कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको फुल एक्सेस मिल जाएगा। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, आई होप पसंद आई होगी आप लोगों को वीडियो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।